लक्सर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि धर्मवाद, क्षेत्रवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक करने वाली भाजपा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में देश का आम जन जाग चुका है। उन्होंने कहा कि जितना कर्ज 70 सालों में तमाम सरकार ने लिया है, उससे ज्यादा 10 साल में भाजपा सरकार ने कर्ज ले लिया है। पड़ेगा, कब तक आप जाति धर्म के नाम पर जीतेंगे? बड़े मुश्किल से भारत के नीति निर्धारकों ने बड़ी मुश्किल से ये जो आपसी झगड़े थे उनको ख़त्म किया, छुआछूत। लेकिन एक ऐसी सरकार आई जो नाथुराम गोडसे की जय कहती है, जिसने महात्मा गांधी को मारा, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सर, VIP का नाम छिपाने के लिए सबूत तोड़ दिए जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, किसान आंदोलन करते 750-700 किसान मर जाता, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। एक किसान की बेटी मिट्टी में कुश्ती सीखती है, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आती है, उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ती है, और BJP के प्रधानमंत्री को अपना सांसद प्यारा होता है, वो बेटी प्यारी नहीं होती, उसकी कुश्ती प्यारी नहीं होती। मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया, हमारा प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाता, जबकि हम सब उसके परिवार हैं। ये भारत का एक एक अंग, एक एक राज्य उसका परिवार है। ऐसे में अगर जनता नहीं जागेगी तो जनता के लिए ही कष्टकारी होगा। मैं तो ये चाहता हूँ धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ़ कर दिए, और गरीब किसानों का 1 लाख करोड़ रुपये आप माफ़ नहीं कर सकते? आखिर कहाँ जा रहे हैं? जितना कर्जा 70 सालों में बाकी सरकारों ने लिया था, उससे 3 गुना ज़्यादा कर्जा 10 साल में ले लिया, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा आपने कर्जा ले लिया। हमारी टोटल जो GDP है उससे आप 100% ऊपर चले गए हैं। कितना बड़ा खतरा है, इसको समझने की ज़रूरत है, और इसको आम आदमी अगर नहीं समझेगा तो हम सबका जीवन खराब होने